भारताची आवश्यकता असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ शनिवारी पनवेल शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने जमले होते. यावेळी भाजप रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि विविध सामाजिक संस्थेचे सदस्य आणि नागरिकांनी उपस्थित राहून जोरदार घोषणा देऊन या कायद्याचे समर्थन केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सिटिझनशिप अमेंडमेंट ऍक्टच्या समर्थनार्थ शनिवारी सायंकाळी पनवेल शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने एकवटले. त्यांनी जोरदार घोषणा देऊन या कायद्याचे समर्थन केले. धर्म प्रांत या आधारावर देशात फूट पाडण्याचा समाजकंटकांचा कुटिलडाव हाणून पाडण्यासाठी आणि देशाच्या एकतेला बळ देण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि विविध सामाजिक संस्थांनी नागरिकांना एकत्र येण्याची हाक दिली होती. या हकेला साथ देत लोक मोठ्या संख्येने पनवेल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जमा झाले. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेठ भगत, शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, महापौर डॉक्टर कविता चौतमल, सभागृह नेते परेश ठाकूर, आजी माजी नगरसेवक नगरसेविका पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे रायगड जिल्हा बौद्धिक प्रमुख विजय वेद पाठक, एबीव्हीपीचे रायगड जिल्हा उत्तरचे संघटक मंत्री दर्शन बाबरे, मयुरीश नेतकर, शहर मंत्री वैष्णव देशमुख, महाविद्यालयीन प्रमुख यश म्हात्रे, कार्यालयीन मंत्री दिव्या घरत, कोष प्रमुख श्रावणी पांडव, युवा मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, महापालिका अध्यक्ष दिनेश खानावकर, शहर अध्यक्ष चिन्मय समेळ, हर्षवर्धन पाटील आणि असंख्य नागरिक उपस्थित होते. विशेष म्हणजे विविध संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच उत्तराखंडचे नागरिक आसामी पंजाबी बांधवी आवर्जून हजर होते. यावेळी भाजप रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. पनवेल में यहाँ पे सीए के लिए समर्थन दिखाया, आप यहाँ के आमदार क्या कहना चाहोगे? मैं इस सीए के समर्थन में आए हुए सभी नागरिकों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ. इसका आयोजन जिन्होंने किया उन हमारे सारे युवा सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज पूरे देश में हम सारे लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश करवट बदल रहा है और इस देश को ताकतवान बनाने के लिए जो जो कदम उठाने चाहिए वो कदम आज वो उठा रहे हैं, अमित शाह जी उठा रहे हैं और देश को उनके साथ में रहना होगा. आज जो कदम उठाया जा रहा है ये खास करके देशवासियों को जताने के लिए कि हाँ इस कदम की आवश्यकता थी, सीए की आवश्यकता थी. इसके माध्यम से जो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ पर जिन लोगों पर जुल्म हो रहे थे ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए भारत में ऐसे आए हुए 5 साल पहले आए हुए लोगों को इस देश में सम्मान देने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया है और इसकी बहुत ही आवश्यकता थी. आज बस उसके विरोध में जो लोग आज खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं भ्रम फैला गया है, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों के मन में जो दुविधा पैदा की जा रही है कि अब आपको इस देश से निकाल देंगे. ये ऐसा कानून नहीं है. जामा मस्जिद के जो मुख्य हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी ओर से लोगों को आश्वस्तता दी है, पर कोई सांप्रदायिक ताकतें हैं जो खास करके इस देश को मजबूत नहीं बनाना चाहते. इन लोगों ने जो ये कदम उठा रहे हैं आज देश में अलग अलग जगह पे सीए के खिलाफ जो जुलूस निकाल रहे हैं, आज की रैली उसको जवाब. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.